राजपुरा नगर कौंसिल की ओर से वर्ष 2011 में राजपुरा के पार्कों में लगाए गए फुहारों में मौजूदा प्रधान प्रवीण छाबड़ा पर घपले करने के आरोप लगने के बाद आज नगर कौंसिल के मौजूदा प्रधान प्रवीण छाबड़ा ने राजपुरा के डीएसपी श्री कृष्ण कुमार पांथे के दफ्तर में पहुंचकर अपने लिखित बयान दर्ज करवाए। इस मौके पर प्रवीण छाबड़ा के साथ पंजाब भाजपा के उप प्रधान हरजीत सिंह गरेवाल, स्वर्गीय श्री राज खुराना के बेटे तरुण खुराना, पार्षद राकेश मेहता, डिम्पी राणा, पवन मुखेजा, उजागर सिंह, अरविंदर पाल सिंह राजू, हरदेव सिंह कंडेवाला, हरपाल सिंह सराओ, गुरुद्वारा सिंह सभा के प्रधान सरदार कंग, शांति सपरा मौजूद रहे। क्या है सारा मामला, आपको विस्तार से बताने की कोशिश करते हैं। वर्ष 2011 में नगर कौंसिल की ओर से राजपुरा शहर के पार्कों में सरकार का लाखों रुपया खर्च करके फुहारे लगाए गए थे, जबकि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के वकील श्री अभिनव अवराय की ओर से पुलिस को एक लिखित शिकायत भेजकर आरोप लगाया गया था कि नगर कौंसिल की ओर से पार्कों में लगाए जा रहे फुहारों में बड़े स्तर पर घपला किया गया है, जिसके बाद उक्त मामले की जाँच करने के लिए क्वालिटी कंट्रोलर सहित कई विभागों के अधिकारी इस मामले की जाँच करने में जुट गए व इनको लेकर टीमों ने पार्कों में लगे फुहारों की बारीकी से जांच की, जबकि क्वालिटी कंट्रोलर की जांच जल्द आने की संभावना है। बताया जाता है कि इस मामले को लेकर पुलिस की ओर से कई अधिकारियों के बयान भी दर्ज किए जा चुके हैं, मगर इस दौरान पुलिस ने नगर कौंसिल के प्रधान प्रवीण छाबड़ा को भी बयान दर्ज करवाने के लिए बुलाया, जहां आज प्रवीण छाबड़ा ने फुहारों को लेकर एमई ब्रांच की तरफ से अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं के अलावा साल 2013 में विजिलेंस विभाग को की गई शिकायत संबंधी डीएसपी श्री कृष्ण कुमार पांथे को विस्तार से बताया। कि जो एक झूठी अतें बेबुनियाद शिकायत फुहारों के संबंध में पाई गई है और सानू जो प्रशासन है और पुलिस अधिकारी ने सीनियर ऑफिसर ने सानू उन्हां दे पूरा यकीन है भी जो सही जेनुअन रिपोर्ट है वो तैयार करनगे, क्योंकि ये जो कंप्लेंट है बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि जो भी काम होया बिल्कुल रूलों के अनुसार होया। और अज 20 के करीब एम सी जिहड़े ने नाल आए ने, गरेवाल साहब, तरुण जी, हरविंदर सिंह, कंग जी, सराओ साहब, सारे असी नाल भी कौंसलर आए ने और कौंसलर साहबान इस करके नाल आए ने क्योंकि उन्होंने पता है वही म्यूनसीपैलिटी का पार्ट एंड पार्सल ने और सारे उन्होंने पता है कि रूलों अनुसार काम होया और जो वो प्रूफ ने वो भी असी अज डिप्टी साहब ने हैंड ओवर कर दिया। भारतीय जनता पार्टी कानून को मनने वाली पार्टी है, कि जे कोई जाँच हो गए कुछ हो गए तो वह असी सहयोग करते हैं कानून का, उस असी सारे अज आए हैं और प्रवीण छाबड़ा जी म्यूनसीपैलिटी के नाल पूरे पंजाब की भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, क्योंकि सानू पूरा विश्वास है कि साडे जिहड़े साथी ने जिथे भी काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी वालों बड़ी ईमानदारी नाल ते निष्ठा नाल और समर्पित होकर काम करते हैं। उस तरह इन्होंने काम किया म्यूनसीपैलिटी का, अज सरकार बदलने के नाल कई बार कुछ इस तरह की गल्लां होंदियां ने, पर असी उस भी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते, असी चाहते हैं कि कानून अपना काम करे, असी कानून का सहयोग करांगे और साडे नाल भी इंसाफ होवे, साडा म्यूनसीपैलिटी ठीक है, साडे प्रधान म्यूनसीपैलिटी दे ठीक ने, सारा ठीक काम किया। इस करके इस संबंधी डीएसपी श्री कृष्ण कुमार पांथे ने बताया कि एडवोकेट अभिनव ओबराय की ओर से नगर कौंसिल की तरफ से लगाए गए फुहारों में घपले की शिकायत की गई थी, जिस पर आज प्रवीण छाबड़ा ने अपने बयान दर्ज करवा दिए हैं। मेरे को पिछले 3-4 महीनों तो एक इंक्वायरी चल रही है जिदे विच अभिनव ओबराय हाई कोर्ट के एडवोकेट ने बड़े संगीन एलीगेशन, बड़े सीरियस एलीगेशन लगाए ने जिहड़े प्रधान ने म्यूनसिपल कमेटी के, इन्होंने जो 8 फरे लगा के उहदे विच सरकारी जिहड़ा पैसा सी उहदा गबन किया। उस संबंधी असी बड़ी हाई पावर्ड एक कमेटी बुलाई सी जिहदे विच एक्शन ते एसडीओ सवान सीगे जिहड़े क्वालिटी कंट्रोल तो आए सीगे, वो सारा सर्वे करके चले गए ने और उन्होंने सर्वे की रिपोर्ट हजे बाकी आनी, तो इन्होंने अज आ के जिहड़े प्रधान हैगे ने म्यूनसिपल कमेटी के जिहड़ा ते एलीगेशन है वो अज मैनू अपनी स्टेटमेंट दे के गए ने। उन्होंने नाल कुछ होर इलाके जिहड़े एमसी सवान तो गरेवाल साहब भी उन्होंने नाल आए सी, तो मैं उन्होंने बयान लिख लिया और कानून मुताबिक जी कार्रवाई होगी, जेकर कोई एम्बेजलमेंट सामने आई तो सख्त कार्रवाई। आपको बता दें कि शहर के पार्कों में लगाए गए फुहारों में शायद ही एक या दो फुहारे चलते नजर आए। इस मामले में दोषी कोई भी हो, एक बात तो पक्की है कि सरकार के पैसों का गलत इस्तेमाल किया गया है और जिसने भी यह पैसों का गलत इस्तेमाल किया है कुछ ही दिनों में उसे सजा मिलने से कोई नहीं बचा सकता। राजपुरा से कैमरामैन ललित कुमार के साथ मीडिया पर्सन संदीप चौधरी, न्यूज 89।